नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन तेज, अक्टूबर में मंत्री आवास का घेराव। झारखंड में टेट पास पारा शिक्षक वेतन मान की मांग को लेकर अब मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के प्रदेश कार्यालय के घेराव करेंगे। बता दें, 4 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का घेराव कर अपने अक्टूबर माह के आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर के आंदोलित टेट पास 14,000 शिक्षक शामिल हो रहे हैं। बता दें, वेतन मान की मांग को लेकर पिछले 41 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन अनशन से लेकर मुंडन तक करवा चुके टेट पास पारा शिक्षकों ने अब आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। आंदोलित टेट पास पारा शिक्षक ने 4 अक्टूबर से मंत्रियों के आवास और सत्ताधारी दलों के कार्यालयों को घेरने और प्रदर्शन की तिथिवार घोषणा कर दी है। पहले चरण में टेट पास पारा शिक्षकों के मंत्री आवास, पार्टी कार्यालय घेराव कार्यक्रम की शुरुआत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास घेरने से होगी। झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक समन्वय समिति की प्रदेश कमेटी ने पिछले रविवार को सभी जिलों से विचार विमर्श के बाद आमरण अनशन के साथ साथ आंदोलन तेज करने का फैसला लिया था। उसी के अनुरूप अब मंत्रियों के आवास और सत्ताधारी दलों के पार्टी कार्यालय को घेरने का फैसला लिया गया है। सीएम हेमंत के अवैध खनन मामले पर राज्यपाल ने कहा, अपने किए का परिणाम भुगतने को तैयार रहें। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खनन पट्टा मामले का जिक्र करते हुए रविवार को कहा है कि अपने किए का परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ता है। राधाकृष्णन ने राज्य में संगठित अपराध और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही आपराधिक गिरोहों के जेल से काम करने और नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों की हत्या किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जेल से आपराधिक गतिविधियों और नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों की हत्या को चिंताजनक बताया। बता दें, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े अवैध खनन मामले पर कहा है कि यह मुद्दा गंभीर है, इस पर जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने आगे कहा है कि किसी को भी अपने कामों के लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई। किसानों को भी खेतों में न जाने की अपील की गई है। बता दें, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम केंद्र रांची ने रविवार रात को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि 2 और 3 अक्टूबर को राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्य बारिश होगी। रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने ताज़ा पूर्वानुमान में 2 अक्टूबर को राज्य के अलग अलग स्थानों पर गर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। आजसू के केंद्रीय महाअधिवेशन का समापन, 24 सूत्री प्रस्ताव पर मुहर। रांची में आजसू के केंद्रीय महाअधिवेशन का समापन हो गया है। 3 दिवसीय महाअधिवेशन के आखिरी दिन सुदेश महतो फिर से आजसू प्रमुख चुने गए। वहीं 24 सूत्री राजनीतिक प्रस्ताव पर पार्टी की मुहर लगी है। बता दें, आजसू पार्टी का 3 दिवसीय महाअधिवेशन रविवार को समाप्त हो गया, जिसमें सुदेश महतो को एक बार फिर से पार्टी प्रमुख के रूप में चुना गया। वहीं 24 सूत्री राजनीति प्रस्ताव पर पार्टी ने मुहर लगाई है। इस महाअधिवेशन के अंतिम दिन सुदेश महतो ने मंच से हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। आजसू के केंद्रीय महाअधिवेशन के आखिरी दिन अंतिम सत्र में नए चुनाव कराने के लिए पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति को भंग करने के बाद नए चुनाव की औपचारिकता पूरी की गई। महाअधिवेशन के दौरान ही बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष DM मुंडा को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। राजधानी में दिव्यांगों ने की शहर की सफाई। राजधानी में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद स्वच्छता पखवाड़ा में हिस्सा लिया। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जो यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहे तो वह किसी भी स्थिति में उसे साफ रख सकता है। दरअसल स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने में राजधानी के दिव्यांग बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। मूसलाधार भारी बारिश के बावजूद राजधानी के विभिन्न इलाकों में दिव्यांग बच्चों ने स्वच्छता पखवाड़ा में हिस्सा लिया और अपने आसपास के इलाकों को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया।
फल फूल रहा नक्सलवाद, स्थापना दिवस समारोह मना, नक्सलियों ने दी चुनौती। झारखंड में नक्सली अपनी खोई हुई ताकत और जन समर्थन को वापस पाने की तैयारी में जुट गए हैं। पुलिस के दावे के विपरीत नक्सलियों ने झारखंड के जंगलों में भव्य तरीके से अपने संगठन का स्थापना दिवस सप्ताह भी मनाया और इसका वीडियो बनाकर अपने संगठन का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बता दें, नक्सलियों के स्थापना दिवस सप्ताह का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। यह वीडियो पिछले महीने यानी सितंबर 2023 का है। इस महीने 21 से 27 सितंबर 2023 तक नक्सलियों ने अपना स्थापना दिवस सप्ताह मनाया। यह वीडियो झारखंड के कोल्हान का है, ऐसा नक्सलियों ने दावा किया है। हालांकि चाईबासा पुलिस ने ऐसे किसी भी वीडियो के मिलने से इनकार किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश को स्वच्छ रखना देशवासियों की जिम्मेदारी है। हमें इस सोच से निकलना होगा कि साफ सफाई और स्वच्छ पर्यावरण किसी एक व्यक्ति, विभाग, समूह या संगठन की जिम्मेदारी है। सभी को स्वयं के प्रयास से अपने आस पास साफ सफाई रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी भी स्वयं अपने घर और शौचालय की सफाई करते थे। दक्षिण अफ्रीका में वह अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ स्वच्छता के लिए काम करते थे। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश अपने पर्यावरण और वातावरण को अपने लोगों की जागरूकता और प्रयास से ही स्वच्छ रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए स्वयं इसमें भाग लेकर देशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया है। झारखंड डीजीपी ने वनों के संरक्षण का दिया संदेश। 69वें वन प्राणी सप्ताह 2023 के उपलक्ष्य में रविवार को सुबह 6 बजे वन प्राणी सप्ताह का शुभारंभ वाकाथन के आयोजन से किया गया। इसका आयोजन स्कूली बच्चों एवं आम लोगों के बीच वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया गया। इस कार्यक्रम में रांची के अलग अलग विद्यालयों से 350 बच्चे एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 400 आम लोग, मुख्य वन संरक्षक एवं अन्य संस्थानों के पदाधिकारी कर्मचारी सहित 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। बता दें, झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा सभी प्रतिभागियों एवं आम लोगों को वन एवं वनों के संरक्षण के संदर्भ में जागरूक किया गया। झारखंड में विद्यार्थी जितने दिन पढ़ेंगे उतने दिन का मिलेगा प्रमाण पत्र। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए तथा ड्रॉप आउट में कमी व सकलन नामांकन में सुधार लाने के लिए यूजीसी नियमावली के तहत मल्टीपल एंट्री व एग्जिट प्रणाली की संशोधित गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत विद्यार्थियों को लचीली शिक्षा के तहत ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी डिग्री हासिल करने के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी प्रमाण पत्र मिलेंगे। विद्यार्थियों को अधूरे कोर्स के लिए भी क्रेडिट मिलेंगे। इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, शीघ्र ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें, लेवल 4.5 स्नातक एक वर्ष तक पढ़ाई करने पर यूजी सर्टिफिकेट, लेवल 5 के तहत स्नातक 2 वर्ष पूरा करने पर यूजी डिप्लोमा, लेवल 5.5 के तहत स्नातक 3 वर्ष पूरा करने पर यूजी बैचलर, वहीं लेवल 6 के तहत स्नातक 4 वर्ष पूरा करने पर यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च, लेवल 6 में ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के तहत 1 वर्ष पूरा करने पर पीजी डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। पलामू में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के मायापुर गांव के 2 सगी बहनों के तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना शाम 5 बजे बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि मायापुर गाँव के रमेश सिंह की दोनों बेटियाँ गाँव के पास के जंगल में खुखड़ी लेने गई थी। वापस लौटने के क्रम में तालाब में स्नान करने लगी। गहरे पानी होने के कारण दोनों बच्चियां डूब गई। जामताड़ा में वज्रपात से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चंदाडीह लखनपुर गांव में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार शाम 7 बजे की है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कुर्सीला गांव का बांजरा परिवार कुछ दिनों से चंदाडीह लखनपुर गांव में तंबू लगाकर रह रहा था। परिवार में कुल 7 लोग हैं। रविवार देर शाम को तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
नो एंट्री खत्म, गुलजार हुआ बेतला नेशनल पार्क। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के निर्देश पर बरसात के 3 महीने के लिए लगाए गए नो एंट्री के बाद 1 अक्टूबर से बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया। पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश कांत जेना ने बेतला नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार पर फीता काट कर ओपनिंग की है। झमाझम बारिश के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। बता दें, कोलकाता से पहुंचे दर्जनों पर्यटकों ने बेतला पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान पर्यटकों में काफ़ी उत्साह देखा गया। पार्क भ्रमण के दौरान सैलानियों ने हाथी, बाइसन, हिरन, मोर, बंदर, लंगूर पर्यटकों ने देखा है। पलामू में श्रमदान कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत रविवार 1 अक्टूबर को पलामू में भी स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। सुबह से ही इसे लेकर अलग अलग जगहों में लोगों की भीड़ जमा हुई। सभी जगह निर्धारित समय से साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में सांसद, नगर निगम के पदाधिकारी, कर्मी, सफाईकर्मी, एनजीओ के सदस्य, स्कूली बच्चे, आम जन, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए। गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी का स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए देशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत गिरिडीह जिले में भी भाजपा ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया है। स्वच्छता अभियान के दौरान बाबूलाल मरांडी समेत तमाम भाजपा नेता हाथों में झाड़ू लिए सड़क की सफाई करते दिखे। बता दें, बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि भाजपा की ओर से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रामगढ़ में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उफान पर आए नलकारी नदी के कारण पतरातू डैम के जलस्तर में भी काफ़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। रविवार को पतरातू डैम का जलस्तर 1325 RL को पार कर गया है। बारिश की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो जल्द ही पतरातू डैम के फाटकों को खोला जा सकता है। बता दें, PTPS काली मंदिर के नज़दीक गुजरने वाली पुतरिया नाला भी उफान पर आ गया है। पुतरिया नाला का पानी नलकारी नदी में मिलकर दामोदर नदी में मिल जाती है। भारी बारिश के कारण जगह जगह पर पेड़ों के गिरने से पतरातू क्षेत्र का विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित रहा है। साहेबगंज में गंगा का रौद्र रूप, कई घर नदी में समाये। साहेबगंज जिले में उधवा प्रखंड की पूर्वी प्राणपुर पंचायत, पश्चिमी प्राणपुर पंचायत के अजमत टोला, दक्षिण पलास गाछी पंचायत के बानू टोला चुआर तथा उत्तर पलास गाछी पंचायत के खट्टी टोला व नाकिर टोला में गंगा किनारे कटाव तेज हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार अब तक 18 घर व 1 मस्जिद गंगा नदी में समाया है। कितना भूभाग गंगा में समाया है इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन पूर्वी प्राणपुर पंचायत के हुसैनाबाद मौजा में 50 से 60 बीघा जमीन गंगा नदी में समाने की बात कही जा रही है। कटाव से लोगों में दहशत है। गंगा नदी किनारे बसे लोग सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। निजी दुश्मनी के लिए नहीं लगा सकते SC ST Act। झारखंड हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए SC ST Act के तहत दर्ज किए गए मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि SC ST अधिनियम का विशेष कानून समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल बदला निकालने और हिसाब किताब बरकरार करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। यह मामला जमीन विवाद से संबंधित है और विवाद जमीन को लेकर हुआ था, जाति सूतक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने नयन प्रकाश सिंह, हरेंद्र सिंह और गणेश प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। चतरा में बेटी होने पर 6 पेड़ लगाते हैं लोग। झारखंड के चतरा जिला के गिधौर प्रखंड का सिंधुआरी एक ऐसा गांव है जहां बेटा होने पर 5 और बेटी होने पर 6 पौधे लगाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में गांव के ही सुरेंद्र दागी ने की थी। इसके बाद यह गांव के लिए परंपरा बन गई है। जिस घर में बच्चे जन्म लेते हैं उसके परिजन गाँव से बाहर वन भूमि में जाकर पौधा लगाते हैं और उसका पोषण भी करते हैं। बता दें, अब तक 1500 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।
धीरे धीरे यह इलाका अब जंगल का रूप लेने लगा है। पहले यह भूमि बंजर थी, आज यहाँ फलदार और इमारती पेड़ों से लहलहा रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं से भरी बसें, झारखंड में हादसा। दिल्ली में फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। एक बड़े विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता 49 बसों से दिल्ली आ रहे हैं। इसी बीच रविवार को उनकी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए। गनीमत यह है कि बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई और राजमार्ग के पीछे एक खेत में जा घुसी। हादसे में कुछ यात्री मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। टीएमसी के एक नेता ने बताया है कि बस में सवार कार्यकर्ताओं को उपचार के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया शहर में वापस लाया गया है। मोरहाबादी में इस बार भी भव्य होगा रावण दहन कार्यक्रम। पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाने वाला रावण दहन कार्यक्रम इस बार भी भव्य होगा। इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को मंच से ही रिमोट कंट्रोल से दहन किया जाएगा। इस दौरान भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। इस वर्ष शेखर मुखर्जी कोलकाता एवं उनके सहयोगियों द्वारा पायरो आतिशबाजी की जाएगी। इसके अलावा जमीनी आतिशबाजी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। यह जानकारी बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल रविवार को पंजाबी भवन में संपन्न बैठक में दी है। धन्यवाद।